नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं धान में लगने वाले तनाछेदक कीट के बारे में। तो धान में लगने वाले तनाछेदक कीट क्या होता है और इसका लक्षण क्या है और ये धान के खेत में कौन कौन सी समय पर दिखाई देता है, इसको लगने से पहले कैसे कंट्रोल किया जाता है या फिर लग गया तो भी कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो सारी जानकारी आज डिटेल्स में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धान में तनाछेदक क्या होता है। तो ये एक कीड़ा होता है, धान के पौधे में छेद कर उसके तने के अंदर काट देता है, जिससे धान का तना सूखे हुए दिखाई देता है। उसके अलावा बालियां निकलने के समय इस कीट का प्रकोप होने से केवल सफ़ेद बालियां दिखाई देता है और दाने खंखड़ी हो जाता है। तो ये बहुत ही नुकसान पहुँचाता है किसानों को। तो इस कीट का पहचान की अगर बात किया जाए तो इसके पंखे पर काले रंग का बिंदु देखने को मिल जाता है और ये सफ़ेद कलर का होता है। उसके बाद ये धान में अंडे देता है और अंडे देने के बाद सुंडी हो जाता है, उसके बाद धान पर पूरा अटैक करता है, जैसे कि धान में तना के अंदर घुस के उसका तना का बीच बीच में काट देता है। उसके कारण जड़ का जो पानी होता है वो ऊपर तक नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे पत्ते सफ़ेद सफ़ेद देखने को हम लोगों को मिलता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि इसमें तनाछेदक का अटैक हुआ है। अब बात आती है कि इसका प्रकोप कब देखने को मिलता है। तो इसका प्रकोप जुलाई से नवंबर महीना तक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगने से पहले कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे धान का रोपाई आप लोग कर लिया, तो रोपाई करने से 15 से 20 दिन में जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं खेत में, तो उस समय अगर आप लोग इसको मिला के डालते हैं, जैसे कि कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड मिलता है 4% GR पे, जो कि मार्केट में 4G नाम पे प्रचलित है। उसके अलावा फार्टेरा मिलता है FMC का, उसको भी डाल सकते हैं। सिंजेंटा का बार्टिगो मिलता है, रिजेंट अल्ट्रा मिलता है। तो ये सारे को अगर एक एकड़ में 4 kg के हिसाब से मिला के डालते हैं और यूरिया फिर कोई भी खाद हो या फिर बालू के साथ भी अगर डालते हैं तो भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये लगने से पहले तो इसको कंट्रोल कर लिया, अब अगर प्लॉट में लग गया तो उसको कैसे हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे। तो जैसे कि बाज़ार में बहुत सारे पाउडर फॉर्म पे या फिर लिक्विड फॉर्म पे दवा मिलता है, जैसे कि उसमें से कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP नाम पे मिलता है, जो कि बाज़ार में धनुका कंपनी का कल्डन नाम पे मिलता है, उसको अगर आप लोग छिड़काव करते हैं तो भी नियंत्रण हो जाएगा। या फिर क्लोरेंट्रन रिलीफ्रोल जो कि कोराजिन नाम पे मिलते हैं मार्केट में, उसको भी छिड़काव करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा फ्लुवेंडामाइड जो कि बायर का फेम नाम पे मिलता है, उसको भी अगर छिड़काव करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था धान में लगने पर तनाछेदक कीड़ा के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।